हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन का ग्रेटिकुल कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्रॉ द ग्रेटिकुल ऑफ पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन विद RF 1:150 मीडियन एंड इंटरवल 15 डिग्री। जो कि ये प्रोजेक्शन का ग्रेटिकुल ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड कितना है क्वेश्चन में, 15 to 75 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 45 डिग्री टू 165 डिग्री ईस्ट। तो ड्रॉ करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ द रेडियस आर्ट, जो कि हम लोग का आर का वैल्यू निकालना है, जो कि रेडियस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ द एक्चुअल आर्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द गिवन स्केल। तो एक्चुअल आर्ट का वैल्यू कितना है, 65 मिलियन, और गिवन स्केल जो कि क्वेश्चन में 1:150 मिलियन। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आया, 4.23 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग का आर का वैल्यू मिल गया, जो कि है रेडियस ऑफ द रेडियस आर्ट। तो अभी क्या करेंगे, 4.23 हम लोग स्केल के सहायता से मेजरमेंट करेंगे। ये बन गया रेडियस। तो 4.23 सेंटीमीटर से हम लोग क्या करेंगे, रेडियस के सहायता से एक क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। ये बन गया क्वाड्रेंट। तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन हो गया। तो इसके बाद ये लोग ये आप लोग देख रहे हैं डिवाइड किया हुआ है, जो कि हम लोग का क्वेश्चन में कितना है, 15 डिग्री इंटरवल। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 15 डिग्री इंटरवल से इन सबको डिवाइड करूँगा अप टू 90 डिग्री तक। तो यहाँ पे डिवाइड करके मैंने लाइन ये खींच दिया है। तो यहाँ पे जो आप लोग ये लाइन देख रहे हैं, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखिए पहले हम लोग रखेंगे प्रोटेक्टर को कहाँ, 15 डिग्री में। तो ये हो गया 15 डिग्री। तो 15 डिग्री में रखने के बाद ये जो आप देख रहे हैं 90 डिग्री, तो 15 डिग्री का ये 90 डिग्री में डॉट देकर हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। यहाँ से 15 डिग्री को टच कराते हुए यहाँ पे लाइन खींचे और इसका नाम दे दिया ए। ठीक इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, फिर 30 डिग्री में करेंगे। तो 30 डिग्री में भी देखिए 90 डिग्री ये हो गया, या डॉट देने के बाद फिर से यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ये हो गया 30 डिग्री का। ठीक इसी तरह हम लोग 45 डिग्री का भी करेंगे, 90 डिग्री बेस करके, फिर 60 डिग्री, 75 डिग्री। ओके, जो कि हम लोगों का एक्सटेंशन कितना है, लेटिट्यूड यहाँ पे देखिए 15 to 75। तो इसीलिए 15 to 75 तक हम लोग 90 डिग्री करके यहाँ पे लाइन खींचेंगे और इस लाइन में टच कराएंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ग्रेटिकुल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये बना हुआ है, तो कैसे बना है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ये लाइन मैंने खींचा है। और लाइन खींचने के बाद ये जो आप देख रहे ए बी सी डी ई, तो ये कैसे हम लोग करेंगे, देखिए पहले फर्स्ट ए टू बी ये मैंने ले लिया, ये हो गया ए पॉइंट। तो ए से हम लोग बी का, ये हो गया बी, यहाँ पे बी लिख दिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बी टू सी, बी टू सी। ठीक इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, फिर सी टू डी करेंगे, फिर डी टू ई। ओके, यहाँ तक मैंने ये डॉट दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे, ये ग्रेटिकुल ड्रॉ करना है। तो ग्रेटिकुल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, अभी यहाँ से देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से मैं लूँगा ए टू 15 डिग्री तक, ये हो गया, ये देखिए कंपास के सहायता से मैंने ये ले लिया 15 डिग्री तक, और यहाँ पे मैंने एक कर्व ड्रॉ कर दिया, ये हो गया 15 डिग्री का पैरेलल। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी से लेंगे, ये हो गया बी कंपास के सहायता, फिर यहाँ पे 30 डिग्री के लिए। तो ये देखिए फिर से क्या करेंगे, बी में ये रहेगा निडल पॉइंट कंपास का, और यहाँ पर 30 डिग्री का एक कार्ड बन गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री के लिए, तो सी से लेंगे, ये देखिए फिर यहाँ पे सी से ये बन गया 45 डिग्री। ठीक इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री का कार्ड ड्रॉ करेंगे और 75 डिग्री का। इसके बाद यह हम लोगों का लेटिट्यूड लाइन बन गया, अभी क्या चाहिए, लंगीट्यूड। तो लंगीट्यूड का एक्सटेंशन देखिए कितना है, 45 to 165 डिग्री। तो मिडिल वाला लाइन कितना होगा, 105 डिग्री। तो इस तरफ चार लंगीट्यूड लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरफ चार लंगीट्यूड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो लंगीट्यूड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ये जो इसका मेजरमेंट लेंगे 0 to 15 डिग्री, ये हो गया एक रेडियस, और यहाँ पे मैंने एक फिर क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया। और क्वाड्रेंट ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन स्केल के सहायता से खींच देंगे, 15 डिग्री का हो गया, ये 30, 45, 60 और ये हो गया 75 का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 15 डिग्री में डॉट देंगे। तो 15 डिग्री में डॉट देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको मेजरमेंट करेंगे कंपास के सहायता से। तो अभी
या से दो देते देंगे 15 डिग्री का, ये हो गया 120, 135, 150, 165 तक। फिर इस तरफ भी देंगे दो 90, 75, 60, 45। फिर अभी क्या करेंगे 30 डिग्री में दौड़ देंगे लंगीट्यूड के लिए। तो फिर से यहाँ पे सेम मेजरमेंट हम लोग लेंगे यहाँ पे 30 डिग्री में, ये हो गया अभी 30 डिग्री में दौड़ देंगे, चार डॉट इस तरफ और चार डॉट डॉट इस तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद 45 डिग्री में, ये जो देख रहे हैं आप ये 45 डिग्री का एंगल है, जैसे हम लोग मेजरमेंट लेंगे प्रोटेक्टर स्केल, फिर 45 डिग्री में भी करेंगे। फिर इसके बाद 60 डिग्री में, ये हो गया, फिर 60 डिग्री में करेंगे, फिर 75 डिग्री में यहाँ से यहाँ तक ये दौड़ देंगे। दौड़ देने के बाद क्या करेंगे, ये लाइन हम लोग यहाँ से खींच देंगे, ठीक है। इसी तरह इस तरफ भी खींचेंगे और ये बन गया पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन का ग्रेटिकुल। तो ग्रेटिकुल ड्रॉ करने के बाद यहाँ साइड में हम मैंने लिखा हुआ है, देखिए 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, ये लिख सकेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन देख रहे हैं आप इस लाइन को मिटा भी सकते हैं। तो मेन हो गया ये हम लोगों का ग्रेटिकुल पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन का। तो दोस्तों अगर इसी के साथ पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन का ग्रेटिकुल कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।